नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना 2021, भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू, कैसे करें आवेदन, विस्तृत दिशा निर्देश के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो आदेश जारी हुआ है उसकी। तो यहाँ एक आदेश हमारे पास है जो कि 17/2/2022 को जारी हुआ है। विषय है विद्या संबल योजना लागू किए जाने संबंधी बजट घोषणा संख्या 54.0.0 की क्रियान्वित के संबंध में। तो साथियों, ये घोषणा हो चुकी है पहले, अब इसको लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रसंग है ये शासन का जो पत्रांक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2021 का इसमें जिक्र है। इसका मतलब ये पहले की भर्ती है जो लागू होनी थी, अभी लागू नहीं हुई है, तो इस बारे में और जानकारी लेते हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणा संख्या, इसके हिसाब से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, विद्यालय, आवासीय विद्यालय, छात्रावास के विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में, साथियों यहाँ गेस्ट फैकल्टी के रूप में बात कही गई है, विद्या संबल योजना लागू की जाएगी। इसकी क्रियान्वित हेतु वित्त सामान्य वित्तीय और लेखा नियम विभाग द्वारा जारी परिपत्र की दिनांक 30/3/2021 के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो विभाग में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों, प्रशिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्ययन अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इसलिए शिक्षार्थी के हित में यह योजना लागू की जा रही है। तो सबसे पहले जो निर्देश है उनकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, यहाँ गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। जो रिक्त पद होंगे वहाँ गेस्ट टीचर लगाए जाएंगे। दूसरा यहाँ पॉइंट है, संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। तो यहाँ सेवानिवृत्त कार्मिक के बारे में जिक्र है। गेस्ट फैकल्टी हेतु जो मानदेय की जो दर होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। तो यहाँ पर जो पोस्ट है, जो ग्रेड थर्ड है, उसकी 1 से लेके 8 तक प्रति घंटा मानदेय यहाँ 300 रुपये रखा गया है और 21,000 रुपये मासिक। सेकंड ग्रेड के लिए 9 से 10 कक्षाओं को पढ़ाना होगा, 350 रुपये प्रति घंटा, इसका मतलब 25,000 रुपये मासिक। फर्स्ट ग्रेड के लिए 30,000 रुपये 11 से 12 को पढ़ाना होगा। शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक 300 रुपये पर डे, 21,000 इसकी होगी। और प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये, ये भी 21,000 इनका भी मानदेय होगा। तो रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझ जाएगी। मतलब जैसे ही रिक्त पद कंप्लीट हो जाएंगे, ये जो प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ संस्थाओं जैसे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में संवर्गवार और विद्यालयवार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। अगला जो पॉइंट यहाँ है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गेस्ट फैकल्टी हेतु रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचना को समेकित करके संवर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप सेवा निवृत्त कार्मिकों को संविदा पर नितांत अस्थायी तौर पर सत्रांत तक अथवा पद भरने तक नियुक्ति हेतु सूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित करेंगे एवं प्राप्त आवेदनों को संवर्गवार समेकित कर
व्याख्याता एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र कार्मिकों की संविदा नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को वरिष्ठ अध्यापक और समकक्ष के लिए जो निदेशक है स्कूल शिक्षा, और तृतीय श्रेणी के समकक्ष के लिए जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय है माध्यमिक, उनको प्रेषित करेंगे। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है हमारे पास, गेस्ट फैकल्टी के कार्यों को समुचित मॉनिटरिंग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। संस्था प्रधान द्वारा संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखे जाने वाले कार्मिक को भुगतान संबंधित विद्यालय के 01 संवेतन उपमद में, ये साथियों मद है, इससे उनके बजट का प्रावधान है, आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवा दी जाएगी। एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति की वरीयता आवेदक द्वारा गत 2 वर्षों के परीक्षा परिणाम और सेवानिवृत्त न्यूनतम आयु के प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम कि जो सूचना प्रारूप है वो क्या होगा। विद्या संबल योजना अंतर्गत जो गेस्ट फैकल्टी हेतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के आवेदन के क्रम में, तो यहाँ जो मुख्य निर्देश हैं वो है, इच्छुक आवेदक रिक्त पद के हिसाब से पृथक पृथक विषयवार आवेदन करेंगे। दूसरा है, आवेदन हेतु सत्रांत समाप्ति की तिथि की जो गणना है वो 65 वर्ष की से कम जो हैं उम्र के वो ही पात्र होंगे। आवेदन हेतु संवर्गवार विषयवार जिले में रिक्त पदों का विवरण ये जो कार्यालय है वहाँ चस्पा कर दिया जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आवेदन हेतु महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के निर्धारित मापदंड की योग्यता वाले प्रार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। अगला जो पॉइंट है, यहाँ आवेदन हेतु अंतिम तिथि सूचना प्रकाशित होने के 5 दिवस तक रहेगी। आवेदन से संबंधित विद्यालय में ही प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम तिथि पश्चात स्वीकार नहीं होगा। आवेदक द्वारा जिस पद हेतु संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है उसके साथ जो दस्तावेज लगाने होंगे वो कुछ इस प्रकार है, निर्धारित आवेदन पत्र लगाना होगा, शपथ पत्र लगाना होगा, और यहाँ जो सेवानिवृत्ति के 2 वर्षों का जो परीक्षा परिणाम है वो लगाना होगा, आवेदित पद हेतु जो निर्धारित योग्यता है उसके प्रमाण पत्र लगाने होंगे। उसके बाद में ये जो आवेदन पत्र है ये देख लीजिए, तो व्यक्तिगत जानकारी यहाँ देनी पड़ेगी, सारी की सारी डिटेल, स्थाई पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम और उसके बाद में सेवा का विवरण, फिर यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद में जो विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी में नियुक्ति हेतु जो शेड्यूल है वो भी एक बार आप देख लीजिए, तो यहाँ रिक्त पदों का जो आकलन है वो हो जाएगा 18 फरवरी 22 तक। उसके बाद में गेस्ट फैकल्टी में संविदा नियुक्ति हेतु जो सूचना है वो 21 फरवरी तक प्रकाशित की कर दी जाएगी। रिक्त पदों का जो विवरण है वो जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ चस्पा कर दिया जाएगा 21 फरवरी तक। आवेदन प्राप्त होंगे यहाँ 26 फरवरी तक। उसके बाद में प्राप्त आवेदनों को संकलित करके नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा 2 मार्च तक, और नियुक्ति अधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु जो अनुमोदन है वो हो जाएगा 7 मार्च तक। तो 7 मार्च तक की ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी है। यदि इस संबंध में कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
इसी प्रकार की जो एजुकेशनल न्यूज़ है उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।